हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना यादव्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फलूदा का मिक्स। फलूदा मिक्स हम मार्केट से लेकर के आते हैं और ये कॉस्टली भी पड़ता है हमारे को, तो हम क्यों ना घर पे ही इसको बनाए, ट्राई करें और हमको ये कम रेट में भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा फ्रेश हम घर पे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं फलूदा मिक्स। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं मैंने फलूदा मिक्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने रोस्टेड वर्मिसली, सेवैयाँ भी कहते हैं इसको, ली हैं। आधा कप ली है, 50 ग्राम रोस्टेड वर्मिसली है। 25 ग्राम मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, यानी कि 1.5 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर का लिया है। 25 ग्राम ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, 1.5 बड़ा चम्मच मैंने मिल्क पाउडर का लिया है। 2 टेबलस्पून हमने चिया सीड्स लेने हैं, ये इसको सब्जा भी बोलते हैं, ये आराम से किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा कप मैंने लिया है चीनी का, तकरीबन 100 ग्राम चीनी है ये। स्ट्रॉबेरी एसेंस, मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, आप जो भी फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं, मैं बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर में बना सकते हैं। और रेड फूड कलर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है और आप चाहें तो मार्केट से टुकड़ी भी ले सकते हैं, काजू की टुकड़ी भी मिलती है। और यहाँ पर 10 से 12 मैंने किशमिश ली है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर में हमारी चीनी डालेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कस्टर्ड। फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी तकरीबन 260 ग्राम होगी। आप इतने मिक्स के अंदर 1 लीटर दूध में तैयार कर सकते हैं अपनी फलूदा। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा। हम इसको नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने शुगर, कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर इसमें डालना है। और हम डालेंगे इसमें 2 से 4 बूंदे हमारे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ये 2-4 बूंद मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है और मैं डालूंगी 2 से 4 बूंदे फूड कलर की। आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं फूड कलर का, आपकी इच्छा है। और अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे, हम इसको पीस लेंगे। हमारा सब कुछ सामान, चीनी, मिल्क पाउडर, कलर, सब पीस करके मिक्स हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसके अंदर हमारी चिया सीड्स और हमारी वर्मिसली सेवैयाँ भी डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे किशमिश और काजू। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको अभी भी बना कर रख बना सकते हैं और चाहें तो इसको ज़िपलॉक बैग के अंदर डाल करके और इसको रख सकते हैं लंबे टाइम तक। देखिए, ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके रेडी हो चुका है। अगर आप सबका बनाना चाहते हैं तो ये इतनी क्वांटिटी 1 से 1.5 लीटर दूध के लिए सफिशियंट है। और अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो इसका हाफ करके जितना आपको यूज़ में लेना है उतना ले सकते हैं, 0.5 लीटर दूध के अंदर भी हाफ कर लीजिए। चलिए तो अभी हम इससे हमारा फलूदा तैयार करते हैं।
यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है, मैं आधा लीटर दूध में बनाऊंगी और इसको मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। ये गरम होएगा उसके बाद में हम हमारा फलूदा मिक्स इसमें ऐड करेंगे। हमारा दूध बॉयल हो चुका है, अब मैं इस मिक्सचर को मैंने हाफ कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। ये बनाना बहुत ही इजी है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और हमारी सेवइयाँ इसमें पक ना जाए। हमें इसको बराबर हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें कस्टर्ड और मिल्क पाउडर दोनों हैं इसीलिए। आप देख सकते हैं ये पहले से गाढ़ी हो गई है। मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही पका रही हूँ, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे और बराबर इसको हम मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारे कढ़ाई के बेस पे चिपके ना। फलूदा बनकर के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारी वर्मीसिली भी अच्छे से पक गई है और चिया सीड्स भी जो हैं वो पक गए हैं। पक करके ये फूल जाते हैं, आप इनको चाहे तो पानी के अंदर भिगो करके भी, इसमें नहीं डाल करके पानी में भिगो दीजिए, आधा घंटा रख दीजिए या पूरी रात रखेंगे तो ये बहुत अच्छे फूल करके और ज़्यादा नहीं यूज़ में आएंगे। ये एक छोटा चम्मच लेकर के आप वो डालेंगे फूले हुए तो बहुत सारे क्वांटिटी में हो जाते हैं। ये फूल गए हैं और मैंने अपनी गैस फ्लेम ऑफ कर दी है। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में इसको सर्व करने के लिए रखेंगे। हमारा फलूदा बनकर रेडी हो गया है और ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था एक घंटे के लिए। अब हम इसको तैयार करते हैं, मैं आपको बताती हूँ हम इसको कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे आइस, ये ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है, जितनी आइस होगी उतना ही मज़ा आता है ठंडा ठंडा फलूदा खाने में। और हम इसके अंदर डालेंगे हमारा शरबत रूह अफ़ज़ा, इस तरीके से मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डालूंगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी, मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी ही डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फालूदा, अगर आप आइसक्रीम इसमें डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आइसक्रीम के साथ में ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी हम इसमें और आइसक्रीम डाल देंगे। और हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और ऐड कर देंगे और इस पे काजू लगा देंगे। इसमें हम ऊपर थोड़ा काजू से इसकी डेकोरेशन कर देंगे और हम इसमें लगा देंगे स्ट्रॉबेरी। तैयार है हमारी फलूदा बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको फलूदा का प्रीमिक्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा मार्केट स्टाइल
फलूदा का मिक्स रेडी है और उससे हमारी फलूदा भी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से इसको बनाने के अंदर हमको 10 से 15 मिनट लगते हैं। बस उसको ठंडा करिए और ठंडी ठंडी खाइए। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और मुझको बताइए कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मैं फलूदा की और भी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ में अपनी शेयर कर सकूँ। ओके, बाय बाय।